अब अपनी कार दो वाह आद्या, आपको तो सब पता है। अब मम्मा को लाइन तो सुना दो, लाइन जो आपने पैराग्राफ लर्न किया था मम्मा के लिए। My mother's name is she loves me. She loves me. तो की कोई बात नहीं, आपके जो फीलिंग हो वही बता सकते हो क्या? कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं आद्या। चलिए अब आपकी टर्न है, अब आप अपनी फीलिंग बताइए। पहले तो आपने साड़ी बहुत अच्छे से पहनाई है, पूरी बड़ी साड़ी है ना इसकी? आद्य बहुत केयरिंग है, मेरी बहुत हेल्प करती है। बाहर से कपड़े मैं बोलूंगी बेटा कपड़े उतार दो, कपड़े उतार के फोल्ड करके जैसे मैं करती हूँ वैसे फोल्ड करके अलमारी में रख देगी, सबके अलग अलग रूम में खेलेगी, ट्राय पूरे घर में फैलाएगी। मैं कहूंगी बेटा तुमने मुझे परेशान कर दिया, मैं कैसे इसको रखूंगी, ये और इसकी दोनों बहन उठा के सारे ट्राय अलमारी में रख देंगी, रूम एकदम साफ कर देंगी, सोफा बिल्कुल सही कर देंगी, लगेगा ही नहीं कि अभी बच्चों ने यहाँ पे कूड़ा किया था या रूम गंदा किया था। बहुत अच्छा, आपको तो बहुत आराम मिल जाता है। जितना ट्राय लोग फैलाती है यही लोग रखती है, वो मुझे नहीं समेटना होता है। किचन में भी आती है मदद करने, मम्मा मैं बर्तन धो दूं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बड़ी आती हूँ अभी से इतना काम करने का मन करता है। हमारा तो अभी ही नहीं करता है। एक दो बार चेयर धोने भी लगी है, मैं नहीं देख रही हूँ तो। ओ आद्या नहीं यार इतना काम नहीं करना। मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैंने कहा अच्छा बड़ी हो गई हूँ जाओ खाना बनाओ, नहीं मैं मम्मा जितनी बड़ी नहीं हूँ। अच्छा अब आप ये बताइए कि सारी मम्मा को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों की बातें सुने। बच्चे वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का, किसी बात की जिद करती है तो ध्यान को डाइवर्ट करना, लेकिन इन्हें जो पसंद है अगर उस चीज की तब इन लोगों का ध्यान कर दो तो भूल जाती है। जैसे जिद करती है तो इसके साथ मैं जैसे ये रोने लगती है, इसको डांटो तो रोने लगती है, तो जब ये जिद करती है तो मैं बैठ कर रोना शुरू कर देती हूँ, तो ये भूल जाती है कि किस चीज के लिए जिद कर रही थी, फिर आ जाएगी मुझे चुप कराएगी, फिर अपना टॉय ला के देगी, अच्छा मम्मा पानी ले आऊ, मम्मा खाना ले आऊ, मम्मा क्या चाहिए, भूल जाती है जो जिद कर रही है। और अगर आप एक घंटा इसको देखते रहेंगे कोई शरारत नहीं करेगी, चुपचाप खेलेगी, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए नजर हटेगी ना तो उसी एक सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देंगी जिससे लॉस हो सकता है। अब मैं बालकनी में बैठी तो मैं उठ के अंदर आ गई, चेयर वेयर कुछ नहीं रखती हूँ, ये दोनों बहन बाल्टी लेके गई और अपनी छोटी वाली चेयर लेके गई, उस पर दोनों खड़ी होकर बाहर देख रही, ये क्या करती है गेट नहीं खोल पाती है ना, तो विंडो खोल के वहां से निकल जाती है, वहां से चेयर निकाल लेती है। नहीं आद्या बालकनी में ऐसे नहीं जाना, ओके? बाहर मंकी भी आ जाता है आद्या, जितना भी समझाओ ये आदत नहीं जाती है, नहीं देखोगे तो आप ना मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो दिख जाता है आद्या का घर, ठीक है आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। इससे ये बहुत परेशान रहती, क्लास में भी कहती मेरा सामान सामान सारा मेरी बहन छीन लेती है। बेबी टॉवल ले आएंगी छोटे बच्चों वाली, कहेंगे इसको लपेट के मम्मी से बेबी बना दो, मैं जा रही हूँ उसको खिलाने, ये मेरा बेबी है, उस टाइम में छूने नहीं देगी ये मेरा बेबी है। उससे एक दिन कह रही है आपके घर शादी की फोटो दिख रही है, मेरी फोटो ऐसी नहीं है, बोले भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो बता रही थी मेरी मम्मी पापा की है। और जब गुस्सा होगी ये तुम्हारा घर नहीं है ये मेरा घर है, ये डैडू का घर है, मैं कहूंगी नानी के यहाँ चल जाऊंगी, नहीं वो घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा है, सब मेरा घर है। अच्छा अब आप ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। जैसे डांटना मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी वो करना पड़ता है सभी को, और एक बार डांट मार भी लीजिए लेकिन बच्चों के पास नजर नहीं हटनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया बस थोड़ी देर के लिए मैं अंदर गई, ये लोग चेयर लेके बालकनी में चले गए, तो कितना रिस्क है वो तो सबको पता है, तो नजर तो बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए इन लोगों के ऊपर से, कहीं भी रहो देखते रहना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आवाज